हेलो जी, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डुल फैमिली व्लॉग्स में। और आज दिन है वीरवार का और अभी बजे हैं सुबह के 10, जिस टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए दिखाते हैं आज मैं क्या कर रही हूँ। और आज मैं शोकेस की सफाई कर रही हूँ हमारी बैठक में, जो शोकेस है उसका। और आपको दिखाऊंगी क्या क्या रखा है शोकेस में और किस किस की फ़ोटो रखी हैं शोकेस में। और ये शोकेस अंदर बाहर से शीशे का बना हुआ है, कांच का, और जिसे मतलब कि इसकी सफाई करनी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर किसी भी सामान को ज़रा भी हाथ लगा तो गिर के टूट ना जाए। चलिए मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा रेत जो इसके शीशों पर चढ़ गया है। और वीडियो की स्पीड को मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया था, तो इसलिए मैंने इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो चलिए कर लेती हूँ मैं शोकेस की सफाई। तो पहले टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था शोकेस वगैरह। पहले तो जब हमारी मतलब कि दादी और का टाइम था तो घर भी पक्के नहीं हुआ करते थे। कभी हफ्ते 10 दिन में एक दिन लीप दिया करती थी घर को, तो काम चल जाता था बस एक। और अब तो डेली झाड़ू पोछा करो, साफ सफाई करो, डस्टिंग वगैरह करो, तब भी मतलब कि घर में कहीं ना कहीं धूल थोड़ी बहुत रह ही जाती है। और तो ये देखिए, मैं इसे कॉलिन नहीं था मेरे घर पे, तो इसलिए मैं गीले कपड़े से ही काम चला रही हूँ आज, क्योंकि कॉलिन है जो ख़त्म हो चुका है। और कॉलिन से जो है कि ये कांच अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, पर था ही नहीं, क्या करें, तो गीले कपड़े से ही काम चलाना पड़ा। तो ये देखिए, अभी मैं कर दूंगी साफ इसे और उसके बाद इसमें रख दूंगी अपना जो इसका सामान है वापस से इसके अंदर ही। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पहले मतलब कि काम बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। मेरी सास जो हैं वो भी बहुत काम करती थी पहले मतलब कि अपने टाइम में। अब तो उनकी भी उम्र हो गई है, इतना सारा काम उनसे नहीं बन पाता। करती हैं फिर भी बहुत सारा काम, लेकिन इतना सारा काम नहीं हो पाता है। और पीछे से कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, इन्हें इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि गाँव में ये सब चलता ही रहता है गली में। और हमारा घर जो है बिल्कुल मेन गली पे है, गली की सारी आवाज़ें ऐसे कि ऐसे ही आती रहती हैं घर पे। और किसी दिन मौका मिला तो मम्मी से बात करेंगे पहले कामों के बारे में, पहले कैसे क्या काम किया करते थे, कितना सारा काम होता था ये सब। और चलिए, अभी मैंने आधी साइड का जो है शोकेस साफ कर दिया है और अभी इसमें लगा दूंगी मैं ये शीशे। ये देखिए, शीशे लगाने के बाद फिर कांच रख दूंगी और फिर रख दूंगी इन पे जो इनका सामान था वो। तो देखिए, अभी मैं ये कांच रख दूंगी और उसके बाद रख दूंगी सारा सामान जो भी है। थोड़ा धीरे धीरे करके ही रखना पड़ेगा क्योंकि कांच है, ज़रा सा हाथ इधर उधर हुआ तो समझो कांच के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये देखिए, ये रख दूंगी मैं इधर से। और विनय को बहुत ही चाव है देवी देवताओं की फ़ोटो लाने का। तो ये देखिए, और इन पे मतलब कमरे के अंदर है ये शोकेस, कमरे के मतलब कि डबल दरवाज़ा है, जैसे एक लकड़ी का है एक जाली का है, फिर भी ना जाने पता नहीं कहाँ से इतना सारा रेत आ जाता है इसमें शोकेस में, और बहुत ज़्यादा रेत जम जाता है। दिखाऊंगी मैं आपको कांच पर कितना सारा रेत है। और ये देखिए, ये है मेरे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी और ये उनके दोस्त, ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, जा चुके हैं ये इस दुनिया को छोड़ कर के। और ये देखिए, ये बोतल, इस बोतल में जो ये खाट है मंजा, ये देखिए, और ये बोतल भी टूट गई है, हमने टेप लगा करके इसे जोड़ कर रखा है, कई जगह से टूट चुकी है ये। और देखिए,
और ये लड़कियां पहले बनाती थी, क्या बोलते हैं इनको, खजूर कुछ ऐसा ही बोलते हैं, पता नहीं मुझे, आपको पता हो तो बताना। और ये देखिए, ये भी मैंने अपने हाथों से ही बनाए हैं सफ़ेद, ये जो पहले बल्फ आते थे उन पर क्रोशिए से और ऊन से बना करके बनाया है अपने हाथों से ही। और ये शील्ड, ये जो है कि पापा जी को मिली थी, पर ये एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, ये है मेरे पापा जी यानी कि मेरे ससुर जी, और विनय को गोद में ले रखा है इन्होंने, देख रही हूँ कहाँ पर है इसकी जगह रखने की, पर यहाँ पर मुझे ये सही से सेट होती नज़र नहीं आ रही। ये देखिए, दूसरी जगह रखूँगी इसको, हाँ कहीं से वो हटा करके, तो ये देखिए यहाँ रख दूँगी। और ये और छोटी छोटी सी फोटोएं रखी हैं इसमें, तो ये देखिए अभी मैंने इन सबको रख दिया है यहाँ पे। आधी साइड का जो है कि मेरा शोकेस साफ हो चुका है, और आधी साइड का रहता है, आधी साइड का भी मैं कर लूँगी अभी साफ, ये देखिए। और वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है इसलिए सॉरी, और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा मेरा वीडियो आपको। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.
देखिए मैंने सूटकेस को बहुत अच्छी तरह से साफ कर दिया है, और प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा सूटकेस। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के लास्ट में नमस्कार सभी को, टेक केयर।